ओके ठीक है, सभी ने जवाब दिया कि कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। लेट्स सी, यहाँ पर A1 ओवर A2 इक्वल है 2/4 के, जिसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आंसर रहेगा। देन वी हैव B1/B2 जो कि इक्वल है 1/2 के। देन वी हैव C1/C2 दैट इज इक्वल्स टू 3/6, जिसको सॉल्व करके आंसर 1/2 आएगा। सो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, ये कंडीशन होती है कोइंसिडेंट लाइन की। करेक्ट, तो ये दोनों लाइंस ग्राफ पर जब हम ड्रॉ करेंगे तो कोइंसिडेंट लाइंस शो कराएंगे। ये सभी को आता था, आई होप इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। इजी क्वेश्चन था, आपको जस्ट कंडीशंस पता होनी चाहिए। फाइन, ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको बताना था कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के लिए आपको कंडीशन पता है। कंसिस्टेंट, यस बच्चे, चलो देखते हैं। यहाँ पर A1/A2 है 3/2 एंड B1/B2 है 2/-3 या -2/3। यस, अक्षय जैन, इनकंसिस्टेंट क्यों? A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। यस अक्षय जैन, ओके। क्वेश्चन 3 नहीं, पहले क्वेश्चन 2, तभी गड़बड़ हो जाएगी। ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मीनिंग हुआ इसके कैसे सॉल्यूशंस होंगे, यूनिक सॉल्यूशंस। और यूनिक सॉल्यूशंस है मींस ये क्या होंगी, कंसिस्टेंट। यूनिक सॉल्यूशन में पैरेलल होता है सलोनी। यूनिक सॉल्यूशन जब ये कंडीशन होती है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है ग्राफ पर। यस, इसमें किसी को कोई डाउट बताओ, इस क्वेश्चन में किसी को भी कोई डाउट है? एनीवन? ठीक है, देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, इसका क्या आंसर था? जानवी, जॉय अभी किया तो क्या हो गया, क्वेश्चन सामने है और लिखा हुआ है इजिली। ये वर्कशीट थी जो गूगल क्लासरूम पर आपको सबमिट करनी थी और मैं उसी के आंसर्स आपको बता रहा हूँ। इनकंसिस्टेंट, ओके लेट्स सी। A1/A2 है इक्वल टू 2/4 के, दैट गिव्स अस 1/2। B1/B2 है इक्वल, नोटबुक में नहीं करने, आई एम जस्ट टेलिंग सॉल्यूशंस जिससे कि आप चेक कर सको कि आपने जो जवाब दिए वो सही थे या नहीं। एंड C1/C2 इक्वल्स टू 8/9। सो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस नो सॉल्यूशंस की। सो ये क्या होगी, इनकंसिस्टेंट। यस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर उत्तराखंड फ्लड, ये आपको याद होगा, ऐसा आपके 9th क्लास में भी था क्वेश्चन, पीएम केयर फंड वाला, जिसमें दो गर्ल्स थी जिन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन किया था। फॉर उत्तराखंड फ्लड विक्टिम्स टू सेक्शंस ए एंड बी ऑफ क्लास एक्स कंट्रीब्यूटेड सॉरी ₹1500। इफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ 10th ए वाज ₹100 लेस देन दैट ऑफ 9th बी, फाइंड ग्राफिकली द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय बोथ द सेक्शंस। तो पहले इसमें आप इक्वेशन बनाओगे, दोनों क्लासेस ने, ये 9th नहीं ये 10th भी है, ठीक है, दोनों क्लासेस ने, क्लास सेक्शन ए और सेक्शन बी ने मिलकर कितने रुपीस दिए, ₹1500। फाइन, एंड जो क्लास ए के रुपीस थे वो क्लास बी के रुपीस से 100 कम थे। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, ग्राफिकली बोला है तो आप ग्राफ पे ड्रॉ करके इसके सॉल्यूशंस निकाल के सॉल्व करोगे। यस, ऑलमोस्ट सभी का सही है। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है, इसकी वैल्यू आप अगर सब्सटीट्यूशन मेथड से करना हो तो ये वैल्यू ए की फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हो। ए के प्लेस पर आप लिखोगे बी माइनस 100 प्लस बी इक्वल्स टू 1500, तो 2b इक्वल्स टू 1600, बी की वैल्यू आ जाएगी 800, और इस वैल्यू को आप पुट कर दोगे फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में, ए प्लस 800 इक्वल्स टू 1500, डैट गिव्स अस ए इक्वल्स टू 1500 माइनस 800 700। तो देखो 800 और 700 का सम 1500 होता है, और ए सेक्शन के जो रुपीस है वो बी सेक्शन के रुपीस से 100 कम है, जो कंडीशन क्वेश्चन में दी थी आपको। ये लेकिन ग्राफिकली सॉल्व करना था ग्राफ पर, आई होप आपने ग्राफ पर सॉल्व करके सबमिट किया होगा। ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। फाइन, ऐसा नहीं है कि आप इसको अल्जेब्रिकली सॉल्व करो। तो इसमें किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? ग्राफ ड्रॉ नहीं हो पाया? ग्राफ ड्रॉ क्यों नहीं हो पाया? रीजन निकिता, ग्राफ ड्रॉ करने में प्रॉब्लम क्या है? आई एम श्योर कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, मैं चेक करके बताऊंगा कि ग्राफ क्यों नहीं ड्रॉ हो पाया, क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करना तो आपको आता है ना? सो सॉल्यूशन में ही कुछ प्रॉब्लम होगी, आई विल चेक। इक्वेशन सॉल्व नहीं हुई? इक्वेशन सॉल्व नहीं हुई मींस दो दो सॉल्यूशंस नहीं निकले, इनके सॉल्यूशंस निकालने इतने मुश्किल तो नहीं थे, आए थे। देन ओके, विल सी, आपको इस तरह से दो दो सॉल्यूशंस कैलकुलेट करने थे एक्स वाई के, फाइंड आउट करने थे और फिर उनको ग्राफ पे ड्रॉ करना है। यहाँ से एक्स और वाई, सॉरी, ए और बी है, ए बी ए बी, दो अक्षत पैरेलल लाइंस नहीं है। क्यों नहीं है पैरेलल लाइंस? लेट मी टेल यू, मुझे पता है कि कहां पर आपने गड़बड़ करी होगी, जो कि करते हैं स्टूडेंट्स। अह जैसे फर्स्ट इक्वेशन थी ए माइनस बी इक्वल्स टू 1500, आपने जब इसको लिखा होगा तो आपने इसको भी क्या लिखा, ये आया ए माइनस बी इक्वल्स टू माइनस 100, है ना? आप यही कहना चाह रहे हो? हाँ, सॉरी, ए प्लस बी है, आपने इसको भी यहाँ पर प्लस लिखा होगा प्रोबेबली, ए प्लस बी इक्वल्स टू 100 नहीं, ए प्लस बी इक्वल्स टू माइनस 100 है। देखो ये गड़बड़ होती है, 100 को हम माइनस का नहीं लिखते। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे,
ये माइनस का होगा और ये भी माइनस का होगा। जब बी को इधर लेकर आओगे देखो, ये बी पॉजिटिव, इधर आकर नेगेटिव होगा, और इधर 100 कितना है, नेगेटिव है। तो आप कंपेयर करके देखो, ए वन अपॉन ए टू एंड बी वन अपॉन बी टू, ये दोनों इक्वल नहीं है, वन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, तो ये कैसे सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन है ना। तो सेकंड वाली इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन ये हो गई एक्चुअली, बी इधर माइनस है, नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव है, तो उधर जाकर ये नेगेटिव होगा। छोटी सी मिस्टेक होती है, ये हो जाती है, बट ध्यान रखना है। क्वेश्चन थ्री का आंसर, ये इनकंसिस्टेंट, क्वेश्चन थ्री इनकंसिस्टेंट था। यस सलोनी, इनकंसिस्टेंट पैरेलल लाइंस, जब नो सॉल्यूशन होते हैं तो पैरेलल लाइंस होती हैं। व्हेन ए वन अपॉन ए टू इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू बट नॉट इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू, दैट इट्स इनकंसिस्टेंट, मीन्स पैरेलल लाइंस। चलो ये क्लियर हुआ, लेट्स मूव टू सेकंड वर्कशीट। इफ ए एम इक्वल्स टू बी एल, देन फाइंड वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल्स टू एन हैज नो सॉल्यूशन ए एक्स प्लस बी वाई के साथ में। ओके ठीक है, इसको सॉल्व कैसे, इन्होंने दिया हुआ है ए एम इक्वल्स टू बी एल, तो हम क्या कर सकते हैं, एम को उधर ले जाएंगे और यस एल को इधर ले आएंगे। यहां पर आप देखोगे ए अपॉन एल इक्वल्स टू बी अपॉन एम है ना, या फिर आप यही इक्वेशन से देखो, इसको मैं देखो थोड़ी देर के लिए, यही इक्वेशन से देखो, ए वन की वैल्यू ए है, ए टू की वैल्यू एल है, बी वन की वैल्यू बी है और बी टू की वैल्यू एम है, सी वन की वैल्यू सी है और सी टू की वैल्यू एन है। यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि ए एम और बी एल का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है, डैट मीन्स ए अपॉन एल, एल को आप इधर ले आए, ये ए अपॉन एल हो जाएगा, और एम को इधर ले जाओगे तो ये बी अपॉन एम हो जाएगा, डैट मीन्स ए अपॉन एल और बी अपॉन एम आर इक्वल, बट ये सी अपॉन एन के इक्वल नहीं दिए हुए हैं है ना, नॉट इक्वल्स टू सी अपॉन एन। सो इट शोज कि ए वन अपॉन ए टू इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू बट नॉट इक्वल्स टू सी एन सी वन अपॉन सी टू, मीन्स इसके कैसे सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन कार्तिक, जब ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू के इक्वल होता है बट सी वन अपॉन सी टू के इक्वल नहीं होता, तो उसके नो सॉल्यूशन होते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आंसर था, नेक्स्ट क्वेश्चन बुक पे भी है ना ऐसा क्वेश्चन, आई थिंक फर्स्ट इक्वेशन को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 9x प्लस 10y इक्वल्स टू, इसको जब आप एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे, और ये तो है ही ऑलरेडी सिंप्लीफाइड, तो यहाँ पर आप वैसे साइन को देखकर ही बता सकते हो कि ये यूनिक सॉल्यूशन होंगे। मैंने बताया था जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो ए वन अपॉन ए टू और बी वन अपॉन बी टू के बीच में, तो समझ जाओ कि वो इक्वल तो हो ही नहीं सकते, ये पॉजिटिव वैल्यूज हैं ये नेगेटिव वैल्यूज हैं। स्टिल ए वन अपॉन ए टू अगर आप देखोगे तो वो 9 अपॉन 9 डेट गिव्स अस 1, बी
बी वन अपॉन बी टू देखोगे तो 10 अपॉन -10 डेट गिव्स अस -1, सो वी कैन से ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू। तो इसके सॉल्यूशन होंगे यूनिक सॉल्यूशन, मीन्स ये कैसी इक्वेशन है, कंसिस्टेंट है। किसी को इसमें प्रॉब्लम? ये बुक जैसे क्वेश्चंस है अभी तो, फिलहाल कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट? इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट, ऑब्टेन सॉल्यूशन ग्राफिकली। ये बुक का ही क्वेश्चन है, लिखा भी हुआ है। ये कैसी इक्वेशन होंगी, इनकंसिस्टेंट? सी क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सिर्फ क्या करना है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताना है। तो ए वन ओवर ए टू 1/3 है, बी वन ओवर बी टू -1/-3 डेट गिव्स अस 1/3, एंड सी वन ओवर सी टू 8/16 डेट गिव्स अस 1/2। फाइन, सो वी कैन से ए वन ओवर ए टू इक्वल्स टू बी वन ओवर बी टू बट नॉट इक्वल्स टू सी वन ओवर सी टू। तो ये कैसे होंगे, इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे? नो सॉल्यूशंस, दैट मींस इसके ये दोनों इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट है। एग्जैक्टली इनकंसिस्टेंट है, बट ग्राफ अगर उन्होंने बोला है तो आपको ड्रॉ करना होगा। फाइन, ग्राफ ओपन, ग्राफ बनाने के लिए आप देखो, पहले ही बता देता हूँ, आप इस क्वेश्चन में ये शो करा के नहीं लिखोगे कि ये इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है, ये नहीं लिखोगे। उन्होंने बोला है ग्राफिकली बताओ कि कैसे सॉल्यूशन होंगे अगर कंसिस्टेंट होंगी तो। यस जानवी बोलो। सर, इस वाले क्वेश्चन में हमें इस तरीके से नहीं बताना। नहीं, ये तो बताना है। देखो मैं बताता हूँ, मैं उसे ही क्लियर कर रहा था। अगर क्वेश्चन में ये लिखा है फाइंड ग्राफिकली वेदर दीज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो उस केस में आप ग्राफ ड्रॉ करोगे और अगर पैरेलल लाइंस आएंगी तो बोलोगे इनकंसिस्टेंट है, अगर बाकी दो लाइंस आएंगी दो कंडीशंस तो बोलोगे कंसिस्टेंट है। बट यहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि पहले चेक करो कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है, इन केस कंसिस्टेंट है, चेक करने के बाद आपको पता चला कंसिस्टेंट है, उसके बाद में ग्राफिकली इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने। मींस आप पहले चेक करोगे, ये चेक करोगे, बिल्कुल करोगे और बता दोगे कि ये इनकंसिस्टेंट है, तो ग्राफ तक आने की आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने ग्राफ पर ग्राफ बनाने के लिए सिर्फ तभी बोला है जब कैसी हो ये इक्वेशंस, कंसिस्टेंट हो। फाइन, पूछो पूछो। निकिता, क्वेश्चन टू क्या हुआ? क्वेश्चन टू में नो, अक्षर ग्राफ ड्रॉ नहीं करोगे बिकॉज उन्होंने बोला है इफ कंसिस्टेंट। आई जस्ट आस्क्ड टू अनम्यूट। हाँ बोलो। ओके, यू कैन टाइप जानवी, मे बी इधर से नहीं हो पा रहा हो कुछ।
निकिता आप बताओ, क्या यही क्वेश्चंस नहीं है आपके पास? आपने इससे किया है या फिर किसी और मेथड से? तो फिर कैलकुलेशन मिस्टेक बच्चे, वो आप चेक करो, कैलकुलेशन मिस्टेक है फिर। वर्कशीट प्रोवाइड कराऊंगा बच्चे, वर्कशीट मैंने गूगल क्लासरूम पे डाली तो थी। यू वांट टू प्रिंट आउट? हाँ ऑफ कोर्स, सेकंड टाइम इज हर टॉपिक की होगी। जस्ट श्योर निकिता? So in question two, my equations are also not coming correct. It's coming like 3 upon 2x plus 5 upon 8x is equal to 7. Why Like, 5/8? sorry, 5 upon 3y equals to 7. This first and the second one with 9x minus 10y is equal to 14. And then after that, it came like I took the LCM. 9 plus 10 upon 6 is equal to 7. Then ठीक 9 है। upon 6x plus 10 upon 6y is equal नो to नो 7. नो, आप जब एलसीएम ले लेते हो तो आप उनको सेपरेटली नहीं रखते हो, फिर आप जो एलसीएम लिया है उसको दूसरी साइड भेज देते हो, तभी तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगी। ये जो 7 था इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी। आप ऐसे नहीं लिखोगे 9x/6 + 10y/6 = 7, ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है निकिता? Yes, after we are changing denominator to the right hand side, after that what we have to do? बस आपने राइट हैंड साइड पर लिख दिया तो आपके पास ये सिंपली इक्वेशन आ गई। तो अब इनसे आप कंपेयर कर लो, a1/a2, b1/b2, c1/c2, चेक करो कि क्या ये इक्वल है या नहीं है। ये 1 आएगा इसको जब सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा। सो a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, एंड इफ इट्स नॉट इक्वल्स टू b1/b2 दैट मींस इसके कैसे सॉल्यूशंस हैं? यूनिक सॉल्यूशंस हैं। यूनिक सॉल्यूशंस हैं दैट मींस ये कैसी इक्वेशंस हैं? कंसिस्टेंट इक्वेशंस हैं। ओके सर, यस सलोनी, यू कैन डू दैट एज वेल। एंड जानवी, अगर आपने माइनस का साइन शुरू में मिस किया बट आंसर में लिख दिया तो वो गलत ही माना जाएगा, बिकॉज कैलकुलेशन मिस्टेक होगी कुछ ना कुछ जरूर। और जो आपके टीचर होंगे वो उसी स्टेप पर मार्क कर देंगे जिस पर आपने साइन मिस किया है, वो लास्ट तक देखेंगे ही नहीं। माइक बच्चे मैं तो ओपन कर रहा हूँ, आप देखो। सर जैसे कि मैंने वो इक्वेशन थी ना, तो सर a1 b1 में वैल्यू पुट रखनी थी, तो इसमें मैंने 5/3 तो कर दिया था, जब मुझे याद आया है तो 5/3 था, क्योंकि फिर 3 2 6 हो जाता तो सर, लेकिन जब क्वेश्चन में तो 5/3 गिवन था, लेकिन मैंने गलती से बाय मिस्टेक 5/2 लिख दिया क्वेश्चन में, तो 5/2 लिख दिया इक्वेशन में, लेकिन जब वैल्यू पुटअप करनी थी a1 b1 की, तो सर मैंने वहां पे ठीक लिख दिया। ओके, दैट डिपेंड्स कि टीचर उसको नोटिस करते हैं या नहीं, बिकॉज अगर आपने वैल्यूज पुट सही करी है तो ऑब्वियसली सब सॉल्यूशन वर्कशीट तो में पुट ही है। हाँ वर्कशीट में वो मैं देखूंगा, अगर आपने वैल्यू पुट करी है सही तो ऑब्वियसली आपका सॉल्यूशन तो सही होगा, है ना? सर, सॉल्यूशन तो ठीक आया क्योंकि मैंने वैल्यू ठीक पुट करी है, हाँ और सर बस वो गलती ये हो गई कि b1 में माइनस का साइन लगाना था, और मैंने आंसर में माइनस का साइन तो लगा दिया, लेकिन वहां रह गया। आई विल सी और मैं बताऊंगा कि अगर उसमें कुछ इश्यू होगा तो। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। तो ये था सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन अभी हमने किया। आई होप किसी को अब कुछ भी इसमें इश्यू नहीं होंगे, इतने ही क्वेश्चंस थे इसमें, इजी क्वेश्चंस थे। नाउ लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। ओके निकिता, आई विल चेक दैट।
जानवी, यस प्लीज वेट करो, जब मैं वर्कशीट एंड नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगा आई विल टेल यू। रियल नंबर्स इसके बाद ही करेंगे। निकिता, बोथ वर्कशीट्स हैव बीन डिस्कस्ड, वेयर वर यू, कहाँ ध्यान है, दोनों वर्कशीट्स के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके। ओके जानवी, यस टेल मी निकिता। सर द फर्स्ट वन जो चैप्टर टू की फर्स्ट वन विच आई गेव द पेपर्स टू यू दैट वन। ओके दैट वन यू आर आस्किंग, तो बच्चे वो पेपर चेक हुए रखे इंस्टीट्यूट में, व्हेन एवर इंस्टीट्यूट ओपन्स आई विल गिव यू। ओके सर। ओके सो हम 3.5 चैप्टर पर थे, 3.5 सॉरी एक्सरसाइज पर, और उसके काफी सारे क्वेश्चंस हो गए थे। उसमें जो आपके के वाला क्वेश्चन था वो आपने कल करके दिखाया था परसों, और उसके बाद में फिर एक क्वेश्चन है जिसको आपको सब्स्टिट्यूशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है। सिंपल इक्वेशंस हैं और आपको सॉल्व करना है, तो उसे मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, वो आप खुद ही करके देख लोगे क्योंकि इजी क्वेश्चन है। यू हैव जस्ट दीज टू इक्वेशंस, 8x + 5y = 9 एंड अनदर इक्वेशन इज 3x + 2y = 4। ये दो इक्वेशंस आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से करनी है सॉल्व, तो आप दोनों कर लोगे ये आई होप। किसी को कोई इसमें प्रॉब्लम आएगी प्लीज टेल मी। यू नो सब्स्टिट्यूशन मेथड, यू नो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ट्राई करके देखना, क्रॉस से भी हो जाएगा जानवी, ट्राई करके देखना। अगर समझने में मुश्किल आती है तो आई हैव अपलोडेड रिकॉर्डिंग, तो आप उसमें से एक बार रेफर देख सकते हो, तो करके देखना, नहीं होगा तो मुझे बताओ कि ऑब्वियसली आई विल हेल्प यू। चलो तो वर्ड प्रॉब्लम्स है, उसके बाद में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं। अच्छा ये ध्यान दीजिएगा, जो स्पीड वाले क्वेश्चन है वो हम एक साथ करेंगे, स्पीड वाले अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम स्पीड से रिलेटेड। तो स्पीड वाला जो एक क्वेश्चन है इस वाली एक्सरसाइज में, उसको मैंने अभी स्किप किया है बिकॉज वो हम एक साथ करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में ही। नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी स्पीड वाले कुछ क्वेश्चन है और इसमें एक क्वेश्चन है एंड दो तीन एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो मैं आपको दूंगा, तो वो सभी हम एक साथ करेंगे। तो क्वेश्चन है ये फोर्थ, जिसमें उन्होंने बोला है कि इक्वेशंस को किसी भी एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करना है। ये प्रॉब्लम्स की पहले इक्वेशंस फॉर्म करनी है, देन उनको किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिए, वेदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। सो इसमें आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, कंपल्शन नहीं है कि आपको कोई स्पेसिफिक यूज करना है। ये क्वेश्चन इजी है, टैक्सी चार्जेस वाला आप कर चुके हो, है ना, लाइब्रेरी वाला आप कर चुके हो, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। मींस किसी हॉस्टल में अगर आप रहने जाते हो, एडमिशन लेते हो, तो हॉस्टल के जो मंथली एक रेंट है वो तो फिक्स है, एक पार्ट जो है वो फिक्स है कि इतने रुपीस तो आपको देने पड़ेंगे, बाकी जो पार्ट है वो डिपेंड करेगा कि आप कितने दिन खाना खा रहे हो वहां पर मैस से, कितने दिन खाना ले रहे हो। सपोज एक दिन का अगर आप 30 रुपीज का फूड ले रहे हो और आपने 20 डेज फूड लिया, तो ऑब्वियसली आपको 600 एक्स्ट्रा पे करने होंगे फिक्स चार्जेस के साथ में। सो यहाँ पर अगेन दो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, चार्जेस हैं, एक फिक्स चार्जेस है और एक चार्जेस पर डे फॉर फूड। सो किसी स्टूडेंट ए ने 20 डेज फूड लिया और उन्होंने 1000 रुपीज पे किए इन टोटल। दैट मींस पहले हम फिक्स चार्जेस कंसीडर कर लेते हैं कि फिक्स चार्जेस फॉर हॉस्टल चार्जेस जो है वो एक्स है एंड चार्जेस फॉर फूड पर डे भी वाई। नाउ फॉर स्टूडेंट ए
फिक्स चार्जेस उन्होंने दिए स्टूडेंट ए ने, और 20 डेज के फूड के चार्जेस दिए। फिक्स चार्जेस हमने एक्स कंसीडर किए तो एक्स ही आएंगे। वन डे का फूड अगर वाई रुपीज का है तो 20 डेज का फूड कितने का होगा, कितने रुपीज का होगा बताइए। इफ वन डे का फूड वाई रुपीज है तो 20 डेज का फूड कितने रुपीज का होगा? यस सलोनी, यस 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 निकिता, विनायक, सब सबका ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, फिक्स चार्जेस प्लस 20 डेज के फूड के चार्जेस, एंड दोनों मिलाकर उन्होंने कितने रुपीज दिए, 1000 रुपीज। फिक्स चार्जेस प्लस फूड फॉर 20 डेज इक्वल्स टू 1000 रुपीज, ये फर्स्ट इक्वेशन। स्टूडेंट बी ने कितने डेज का फूड लिया, स्टूडेंट बी ने 26 डेज का फूड लिया मैथ से, तो इसकी क्वेश्चन क्या बनेगी? अब आप पूरी क्वेश्चन ही बता सकते हो, फिक्स चार्जेस तो सेम ही रहेंगे, बस फूड के रुपीज चेंज हो जाएंगे। इस बार 26 डेज का फूड है। यस कार्तिक, यस सलोनी, विनायक एक्स के साथ में, जानवी, वाग्मी, रिधिमा, यस विनायक, ओके। आप में से ओजस, वाग्मी और जानवी, आपकी फी सबमिट होनी है, प्लीज बच्चे फी सबमिट करा देना एज सून एज पॉसिबल। सो फिक्स चार्जेस प्लस चार्जेस फॉर 26 डेज फूड, दैट मीन्स एक्स रुपीज प्लस 26 वाई इक्वल्स टू 1180, 1180 रुपीज। ये सेकंड इक्वेशन है। अब आप बताओ इन दोनों इक्वेशंस को हम किस मेथड से सॉल्व करें? उन्होंने बोला है किसी भी मेथड से सॉल्व करना बेटर है, आप कर सकते हो, तो कौन सा मेथड बेटर रहेगा? जानवी, ओके, आप कोई भी ले सकते हो मेथड, बट ये ध्यान रखना अगर आपके किसी दोनों इक्वेशंस के किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट अगर इक्वल है तो अच्छा रहेगा कि आप एलिमिनेशन मेथड यूज करो। कार्तिक तुमने सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों को ऐड कर दिया है, सब्लिमेशन बना दिया उसका। जब दोनों इक्वेशंस के किसी भी एक वेरिएबल के कॉफिशियंट सेम हो तो बेटर रहता है आप एलिमिनेशन यूज करो। सब्स्टिट्यूशन यूज करोगे तो आपको देखो इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज की मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी 26 से या 20 से, सो बेटर है आप एलिमिनेशन यूज करो। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को या सेकंड में से फर्स्ट को डायरेक्ट आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, क्यों? क्योंकि एक्स के कॉफिशियंट ऑलरेडी इक्वल है। सब्स्टिट्यूशन में यही एक कंडीशन होती है कि दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल के जो कॉफिशियंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। आदित्य आप भी जवाब दो, ओजस, आदित्य, रिधिमा, तो हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो सेकंड के लेफ्ट हैंड साइड से, फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड, सेकंड के राइट हैंड साइड से, फर्स्ट का राइट हैंड साइड हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। Yes, so x plus 26y minus x plus 20y. Again, please brackets use करना मत भूलना, otherwise गड़बड़ हो जाएगी। इन brackets को open करते हैं, x plus 26y minus x minus 20y equals to 180. X से x cancel out हो जाएगा, बचेगा 26y minus 20y, that gives us 6y. 6y equals to 180, जिससे 6 जब इधर multiply में है तो उधर जाकर divide में हो जाएगा, that gives us y equals to 30. समझ आ गया ये तो, y की वैल्यू 30, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो कि सर y 30 कैसे आया, 180 कैसे आया, 6y कैसे आया, 1180 कैसे आया, 1000 कैसे आया, 26y कैसे आया, 20y कैसे आया, एनीथिंग, ईच एंड एवरी स्टेप में देखो और पूछ लो अगर कहीं पर भी कंफ्यूजन है तो, माइनस प्लस का कुछ भी। ओके, सो नाउ वी हैव y की वैल्यू 30, अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। गुड, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1,
इक्वेशन वन में पुट करते हैं तो x के प्लेस पर तो x रहेगा, 20 के प्लेस पर 20 और y के प्लेस पर आ जाएगा 30. 20 से y की मल्टीप्लाई हो रही थी तो 20 से 30 की मल्टीप्लाई, दैट गिव्स अस x प्लस 600 इक्वल्स टू 1000. 600 इधर पॉजिटिव है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, सो x की वैल्यू आ जाएगी 400. सो वी हैव y की वैल्यू एंड x की वैल्यू. दैट मीन्स जो फिक्स चार्जेस हैं हॉस्टल के वो 400 रुपीज हैं मंथली, एंड चार्जेस फॉर फूड पर डे रुपीज 30. एक दिन का जो फूड लेते हो आप उसके 30 रुपीज आपको देने होते हैं. सो लास्ट में स्टेटमेंट जरूरी है, हेंस फिक्स चार्जेस रुपीज 400 एंड चार्जेस फॉर फूड पर डे इज रुपीज 30. इजी क्वेश्चन है. देखो ऐसे 3 क्वेश्चंस आ चुके अभी तक अलग अलग सिनेरियो में. एक आया था लाइब्रेरी वाला बुक्स जिसमें लैंड कर रहे थे वो सूजी एंड दूसरे जो भी थे एंड सरिता और एक था टैक्सी चार्जेस वाला एंड एक ये. ऐसे और भी क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें फिक्स चार्जेस होंगे कुछ एंड देन चार्जेस टेलीफोन बिल से रिलेटेड भी आ जाता है कि टेलीफोन बिल में फिक्स चार्जेस इतने हैं मंथली या इलेक्ट्रिसिटी बिल में देन पर यूनिट इतना बिल होगा समथिंग लाइक दैट. तो हमेशा आपको करना ऐसे ही है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें. प्लीज एक बार बोल दो यस और नो. स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन डिफिकल्ट तब तक लगेंगे ओनली जब तक आप इनकी खूब प्रैक्टिस नहीं करोगे जानवी. अगर आपने बुक के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस स्टेटमेंट वाले अपने आप कर लिए उसके बाद में आपको खुद ही इजी. आप जब क्वेश्चन देखोगे तो खुद से ही क्वेश्चन आपके माइंड में फॉर्म होनी शुरू हो जाएगी. यस सलोनी गुड. तो बस प्रैक्टिस है और ध्यान मतलब इंटरेस्टिंग वे से उसको देखना है क्वेश्चन को. आप अगर ये सोच के देखोगे अरे ये कितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है कैसे करेंगे तो मुश्किल ही लगेगा. जब तक आप मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं डेवलप करोगे तब तक या तो आप क्वेश्चंस को बोरिंग या फिर डिफिकल्ट समझोगे या फिर आपकी सिली मिस्टेक्स होंगी. दो काम होते हैं ऐसे में. गुड विनायक. चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है. आप ऑलरेडी कर चुके हो ऐसा क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला. अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर. फाइंड द फ्रैक्शन. फ्रैक्शन की बात हो रही है तो एक न्यूमरेटर होगा एक डिनोमिनेटर. हम पहले फ्रैक्शन को कंसीडर कर लेते हैं. लेट द फ्रैक्शन बी एक्स ओवर वाई. आप डायरेक्ट लिखना चाहते हो डायरेक्ट लिख दो. अगर आप न्यूमरेटर अलग लिखना चाहते हो डिनोमिनेटर अलग वो भी लिख सकते हो. स्टेटमेंट आपकी बढ़ जाएंगी फायदा कुछ नहीं होगा. तो डायरेक्ट आप लिख दो लेट द फ्रैक्शन बी एक्स ओवर वाई. अब पहले देखते हैं सिचुएशन वन. जो कंडीशन वन दी है क्या दी है कि वन सब्ट्रैक्ट अगर कर दें हम न्यूमरेटर में से मीन्स एक्स में से अगर हम वन माइनस कर दें डेनोमिनेटर में कुछ ना करें तो ये किसके इक्वल हो जाता है 1/3 के. इफ वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर इट बिकम्स 1/3. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 3 की मल्टीप्लाई एक्स माइनस वन से और वाई की मल्टीप्लाई वन से. सो वी गेट 3x-3 इक्वल्स टू वाई. ये फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है. फर्स्ट इक्वेशन किसी को प्रॉब्लम है तो पूछो. चलो तो नेक्स्ट इक्वेशन पर मूव करते हैं. सेकंड कंडीशन जो दी है उन्होंने बोला है व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर. जब हम इस फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर में 8 ऐड कर देते हैं मींस y प्लस 8 कर देते हैं तो इट बिकम्स 1/4. अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4x इक्वल्स टू y प्लस 8 हो जाएगा जब 1 से मल्टीप्लाई होगी इस पूरे ब्रैकेट की. नाउ इस वाले
ओके हाँ, तो वी हैव दीज इक्वेशन। देखो इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं कन्वर्ट किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करूँ। अगर आपको एलिमिनेशन से करना है तो आपको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको अरेंज कर लेना, मींस वाई इधर आ जाएगा, थ्री इधर आ जाएगा। मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहा हूँ, वाई के प्लेस पर मैं 3x-3 पुट कर दूंगा फ्रॉम इक्वेशन वन। सो 4x सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ वाई फ्रॉम इक्वेशन वन, 4x के प्लेस पर तो 4x रहेगा, वाई के प्लेस पर क्या आ जाएगा, वाई इक्वल्स टू 3x-3 है, तो हमने वाई के प्लेस पर यहाँ 3x-3 लिख दिया, +8 लिख दिया, 3x को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, 4x-3x हो गया, 8-3 5 होता है, सो 4x-3x x होता है, x की वैल्यू आ गई 5। यस कार्तिक, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया मैंने इसमें, प्लीज बताओ अगर किसी को कंफ्यूजिंग लग रहा है कि ये क्या कर दिया सर ने। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस कार्तिक, बताओ जानवी क्या लग रहा है? देखो ये क्वेश्चन तो समझ आ गई, ये कैसे बनी, यस और नो? ओके, देन सेकंड इक्वेशन कैसे फॉर्म हुई, ये वाली, ये भी पता चल गया। ये वाली क्वेश्चन नहीं समझ आई, ये कैसे आई? सिंपल, जो उन्होंने सेकंड कंडीशन दी थी, इन्होंने बोला था व्हेन एट इज एडेड टू, ये हमारा फ्रैक्शन था, उन्होंने बोला व्हेन एट इज एडेड टू डेनोमिनेटर, अगर हम डेनोमिनेटर में एट ऐड कर दें तो इट बिकम्स 1/4, करेक्ट? 4 से मल्टीप्लाई करी इधर एक्स में, इट बिकम 4x, और वाई प्लस एट की मल्टीप्लाई 1 में करी तो इट बिकम वाई प्लस एट। ये समझ आ गया जानवी? विनायक, क्वेश्चन पे ध्यान बच्चे, थैंक यू सो मच। जानवी समझ आ गया? ठीक है, अब देखो यहां पर हम वाई के प्लेस पर, यहां हम वाई के प्लेस पर इक्वेशन वन से, देखो इक्वेशन वन में वाई इक्वल्स टू क्या है, 3x-3 है ना, तो इस इट मीन्स हम वाई के प्लेस पर 3x-3 पुट कर सकते हैं, तो वही काम हमने किया, यहाँ वाई के प्लेस पर 4x तो एज इट इज रहा, और वाई के प्लेस पर 3x-3 पुट किया और 8 एज इट इज। नाउ यू गॉट इट कि ये कैसे आया स्टेप? यस, और उसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू आ गई 5। अब इस 5 को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, वेदर फर्स्ट और सेकेंड। पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करी, वाई इक्वल्स टू था 3x-3, तो 3 के प्लेस पर 3, एक्स के प्लेस पर 5-3, दैट गिव्स अस वाई इक्वल्स टू 15-3 इक्वल्स टू 12। सो फ्रैक्शन क्या बना, एक्स अपॉन वाई था, एक्स की वैल्यू 5 एंड वाई की वैल्यू 12 पुट करी यहाँ पर फ्रैक्शन में, तो वी गेट अवर फ्रैक्शन 5/12। देख लो अभी भी अगर कंफ्यूजन है तो पूछ लो। यस विनायक, मैं स्टडी नहीं करता बच्चे, आप लोगों को पढ़ा के मेरा रिवीजन हो जाता है, दैट प्रूव्स कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपको आ जाएगा मैथ्स एटलीस्ट, बाकी सब्जेक्ट्स का मैं नहीं कह सकता, बट मैथ्स में तो यही होता है, मोर यू प्रैक्टिस मोर यू गेट। कोई बात नहीं बच्चे, ठीक है, सभी को समझ आ गए ये क्वेश्चन? एक क्वेश्चन और करते हैं, दो क्वेश्चंस बचे हैं जिसमें से एक क्वेश्चन ये रहा। ओके विनायक, नो प्रॉब्लम।
ठीक है, तो अब जो मैं नेक्स्ट वर्कशीट दूंगा आपको, एक तो वो क्वेश्चंस जैसे हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करी थी उस टाइप की, और फिर वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन दूंगा। जब हर टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन हम कर लेंगे, स्पीड वाले इंक्लूडेड, डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम, देन आई विल प्रोवाइड यू वर्ड प्रॉब्लम्स एक्स्ट्रा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आया बोर्ड्स में। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग, एक्सक्यूज मी, 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? It means question में क्या बोला है कि Yash को 40 marks मिले, लेकिन वो 40 marks कैसे मिले? उसने कुछ questions के सही जवाब दिए, कुछ questions के गलत जवाब दिए। हर सही question के उसको 3 marks positive मिले, लेकिन हर incorrect answers के उसके 1 mark each question के deduct हुए, means minus 1 mark मिले। तो उन्होंने बोला कि अगर हर क्वेश्चन का 4 मार्क होता सही क्वेश्चन का और हर इनकरेक्ट आंसर का 2 मार्क होते तो उसको 50 मार्क्स मिले होते। तो बताओ टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे। यहाँ पर हम ये पॉसिबिलिटी को इग्नोर कर रहे हैं कि उसने कोई क्वेश्चंस छोड़े होंगे यहाँ, क्योंकि ऐसे केसेस में जब आप क्वेश्चंस छोड़ते हो तो उन्हें नेगेटिव मार्किंग में ही काउंट किया जाता है। तो हमने मान लिया करेक्ट आंसर्स जो उसने दिए वो x थे एंड इनकरेक्ट आंसर्स जो थे वो y थे। फाइन, अब ध्यान से देखना, अगर एक करेक्ट आंसर का 3 मार्क है तो x करेक्ट आंसर्स के कितने मार्क्स होंगे बताइए। 1 करेक्ट आंसर का 3 मार्क है तो x करेक्ट आंसर के, यस अक्षत एंड सलोनी, बाकी बच्चे भी बताओ, 1 करेक्ट आंसर का अगर 3 मार्क्स हैं तो एक्स करेक्ट आंसर्स के कितने मार्क्स होंगे। कार्तिक बीच में नेगेटिव साइन क्योंकि वो डिडक्ट हो रहे हैं एंड 2y नहीं आएगा, 3x आएंगे। देखो करेक्ट क्वेश्चन के उसने एक्स करेक्ट क्वेश्चंस किए, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का था तो उसको 3x मार्क्स मिले होंगे करेक्ट क्वेश्चंस के, है ना। बट माइनस 1 मार्क डिडक्ट हुआ, लूज हुआ मींस डिडक्ट हुआ मींस माइनस 1 कितने क्वेश्चंस के, y इनकरेक्ट क्वेश्चंस के। एक क्वेश्चन का 1 मार्क अगर डिडक्ट हो रहा है तो y क्वेश्चंस के कितने मार्क्स डिडक्ट होंगे, माइनस 1y। सो टोटल मिला के उसका जो स्कोर हुआ वो कितना था, 40। 3x माइनस y इक्वल्स टू 40, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, ध्यान से देखना। 3x माइनस y इक्वल्स टू 40, 3x मार्क्स हैं उसके जो करेक्ट आंसर्स थे एंड y क्वेश्चंस के 1 मार्क डिडक्ट हुए उसके ईच क्वेश्चन के, तो y मार्क्स उसके डिडक्ट हुए इनकरेक्ट आंसर्स के, और दोनों मिलाकर उसको कितना मिला स्कोर, 40 मार्क्स का। जब भी डिडक्ट वाले होते हैं आपके नेगेटिव मार्किंग वाले, उसमें आपको माइनस का ही साइन लगाना है, ध्यान रखना है कार्तिक, है ना, माइनस होंगे वो मार्क्स, वो और उसको दिए थोड़ी जाएंगे, पॉजिटिव मार्क्स थोड़ी मिलेंगे उसको इनकरेक्ट आंसर्स के। नाउ सेकंड केस में उन्होंने बोला कि इस बार जो करेक्ट आंसर्स हैं उनके 4 मार्क्स मिलेंगे, बताओ जानवी क्या रिपीट करना है। नो राइट फॉर्मूला, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा है, आपको नहीं लिखना है। देखो जानवी, मान लो आपने 2 करेक्ट क्वेश्चंस किए और सॉरी 4 कर लेते हैं इन्हें, नाइन्थ वाले स्टूडेंट्स आते जाओ। जानवी देखो, सपोज करो तुमने करेक्ट क्वेश्चन किए, कुछ इनकरेक्ट क्वेश्चन किए, ठीक है। करेक्ट क्वेश्चन आपने सपोज करो 10 करे और इनकरेक्ट 2 क्वेश्चन करे। मैंने आपको जो करेक्ट क्वेश्चन हैं उसमें ईच क्वेश्चन का
2 मार्क्स दिए, तो बताओ आपने करेक्ट क्वेश्चंस के कितने मार्क्स मिले होंगे? अगर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था तो 10 क्वेश्चंस के आपको कितने मार्क्स मिले होंगे करेक्ट वालों के? एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो 10 क्वेश्चंस के कितने मार्क्स होंगे? जानवी बताएंगे, बताओ जानवी। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का तो 10 क्वेश्चंस कितने मार्क्स के? 20 के। तो इसके 20 मार्क्स मिल गए आपको करेक्ट क्वेश्चन के। लेकिन मैंने ये भी बोला कि इनकरेक्ट क्वेश्चन का मैं 1 मार्क डिडक्ट भी करूंगा। आपने जो इनकरेक्ट क्वेश्चन दिया है उसके 1 मार्क हर क्वेश्चन का मैं माइनस करूंगा आपके स्कोर में से। तो अगर आपने 2 इनकरेक्ट क्वेश्चन करे, आंसर्स दिए, तो आपके कितने मार्क्स डिडक्ट होने चाहिए? एक क्वेश्चन का -1 है तो 2 क्वेश्चन के कितने होंगे? यस अक्षत, अक्षत नो केयरफुली। एक क्वेश्चन का -1 है तो 2 क्वेश्चंस के कितने होंगे? यस अक्षत, यस आदित्य, यस यस यस। जानवी बताओ, एक क्वेश्चन के -1 मार्क है तो 2 क्वेश्चन के कितने मार्क्स होंगे? -2 बच्चे, -1। एक क्वेश्चन -1 का है तो 2 क्वेश्चन कितने का होगा? -2 का, तो -2। फाइन, सो इसका मीनिंग क्या हुआ? हाँ, तो आपको टोटल मैं कितने 20 मार्क्स तो नहीं दूंगा ना, 20 मार्क्स तो करेक्ट आंसर्स के थे, लेकिन इसमें से मैं इनकरेक्ट क्वेश्चन के जो आपके मार्क्स है वो डिडक्ट करूंगा। मीन्स आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 18 मार्क्स मिलेंगे। गॉट इट? जो करेक्ट आंसर्स हैं उनके मार्क्स माइनस इनकरेक्ट आंसर, तो वही किया, करेक्ट आंसर्स के मार्क्स माइनस इनकरेक्ट आंसर्स के मार्क्स। ये फर्स्ट इक्वेशन हुई। दूसरी वाली इक्वेशन में सिंपली उन्होंने बोला है कि करेक्ट का 4 मार्क्स है और इनकरेक्ट का 2 है, तो यहां पर आप 4 लिख दोगे, यहां पर 2। फोर एक्स तो हो गए करेक्ट आंसर्स के और -2 वाई हो गए इनकरेक्ट के। इसमें मैंने दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर लिया जिससे छोटी हो जाए इक्वेशन। वी गेट 2x-y=25। आप नहीं करना चाहते तो मत भी करना। 2x-y=25। अब हम बताओ इन दोनों इक्वेशंस में क्या करेंगे, कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? जल्दी जल्दी बताओ, 9th वाले स्टूडेंट्स प्लीज थोड़ा सा वेट करो, ये क्वेश्चन इनका फिनिश हो जाए, देन आई विल गेट बैक टू यू। बताओ ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? यस, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्यों? क्योंकि दोनों के वाई के जो कॉफिशियंट्स हैं वो सेम है। सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो चाहो तो अक्षर, बट बेटर रहेगा कि एलिमिनेशन यूज करो क्योंकि दोनों वाई के कॉफिशियंट्स इक्वल हैं। सो मैंने फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लिया। सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट मीन्स फर्स्ट के लेफ्ट हैंड साइड से सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड, फर्स्ट के राइट हैंड साइड से सेकंड का राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 3x-y-2x-y=40-25। ब्रैकेट्स ओपन किए, 3x-2y सॉरी -y-2x+y=15। y से y कैंसिल हो जाएगा तो 3x-2x बचा x, x=15। इस वैल्यू को आप फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लोगे। फर्स्ट में कर लेते हैं, 3 के प्लेस पर 3, x के प्लेस पर हम x की वैल्यू 15 पुट करेंगे। 15 × 3 = 45, -y = 40, -y = 5 बचेगा, -5 तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, जब आप इसको इधर लेकर जाओगे, 40 - 45 - 5 होता है, माइनस से माइनस कैंसिल होकर y = 5 आ जाएगा। तो कितने करेक्ट आंसर्स हुए? अब आप आंसर देखकर बताओ कितने करेक्ट आंसर्स हैं और कितने इनकरेक्ट आंसर्स हैं। हमने करेक्ट आंसर्स को क्या कंसीडर किया था? एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आई है? 15। सो कितने करेक्ट आंसर्स उसने दिए यश ने? 15। एंड इनकरेक्ट आंसर्स दिए 5। क्वेश्चन को यहीं पर छोड़कर आ जाते हैं बहुत सारे बच्चे, लेकिन क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है। अगर आपने इतना लिखा तो हाफ मार्क आपका कट जाएगा, या हो सकता है 1 मार्क कट जाए, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ और पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे टेस्ट में, दैट मींस आपको करेक्ट वाले और इनकरेक्ट वाले ऐड करके बताने हैं। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 15 + 5, दैट इज 20। यस,
अगर नहीं लिख कर आए तो फिर आपके मार्क्स जाएंगे कट. सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 20. इजी क्वेश्चन था, इतना मुश्किल नहीं था. आज बस इतना ही करेंगे. एंड प्लीज ये सारे रिवाइज कर लेना. एंड जिस चीज को मैंने बोला है फी सबमिट करने के लिए, प्लीज सबमिट योर फी. एंड 10th वाले स्टूडेंट्स जा सकते हो. आज के लिए इतना ही. नमस्कार, खुश रहो.